उत्तर प्रदेश के राजनीति में पूर्ण रूप से अपने राजनीति दखल करने के बाद इसमें गोरखनाथ पीठ गोरखपीठ सदस्य के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि विजय जुलूस रथ यात्रा निकाली जा रही है। अगर वहीं अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा कर्ता चप्पल पर मौजूद है, पुलिस और जवान के लोग उनके सुरक्षा में मुस्तैद है। उसके अलावा लोग बहुत साथ इस रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बड़ी संख्या में इस रथ में शामिल हो रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपीठाधीश्वर के रूप में देखने के लिए एक कौतूहल के रूप में पूरी जनता यहाँ मौजूद है। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा का निर्वहन गोरखपीठाधीश्वर के रूप में योगी आदित्यनाथ आज निर्वहन कर रहे हैं। यह रथ यात्रा गोरखनाथ मंदिर से निकल के मानसरोवर मंदिर जाएगी, जहाँ भगवान श्री राम लीला का वो तिलक करेंगे। तिलक उत्सव के बाद से उनका आरती करेंगे और आरती के बाद से पुनः रथ पर सवार होकर वह गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे। इस दौरान आप देख सकते हैं कि बहुत सारे तस्वीरों में लोग नजर आ रहे हैं जो उत्सुकता के साथ इस रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं और बहुत आनंद ले रहे हैं। यह वर्षों एक वर्ष के बाद कार्यक्रम होता है और रामनवमी के समापन के समय में यह कार्यक्रम उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लाखों के भीड़ में लोग मौजूद होते हैं। हमारे साथ एक श्रद्धालु मौजूद है। इस विजय रथ यात्रा को किस तरह आप देखते हैं और कैसे? वेरी गुड, बहुत अच्छा। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा है, सबसे बढ़िया है। क्या लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी राम? जय श्री राम। तो आप देख सकते हैं कि लोग कितना उत्साहित है इस विजय रथ यात्रा को लेके। ये देखिए कितनी अच्छी एक सजावट बनाई गई है जिस रास्ते से विजय रथ यात्रा निकाली जाएगी। एक और बंधु हमारे साथ मौजूद है। इस रथ यात्रा को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से भारत में चर्चित राजनीतिक है उसी तरह से धर्म के अनुष्ठान में भी अग्रणी रहने वाले मुख्यमंत्री आज किस रूप में देखने को जनता को मिल रहे हैं? जैसी जनता की अपेक्षा है, अगर महाराज जी महाराज जी के देखना चाहते हैं तो महाराज जी मिलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री देखा जाते हैं जनता जवान माननीय मुख्यमंत्री की तरह नजर आते हैं। आज विशेष प्रधान गोरखपीठाधीश्वर के रूप में नजर आएंगे और लोग देखने के लिए लाखों की तादाद में मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे इस पर्व को लेकर? ये हर साल का पारंपरिक है और परंपरा के अनुसार ये हर साल होता है और लाखों लोग की संख्या शोभा यात्रा को देखती है। महाराज देखिए साफ तौर पे लोगों का कहना है कि इस विजय रथ यात्रा में हर वर्ग के लोग हर समुदाय के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं और विजय रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान श्री राम की विजय रथ यात्रा को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। अपने सहयोगी सूरज शर्मा के साथ मुकेश कुमार गोरखपुर भारत 24।